चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय, और कुछ लोग अब तक जो स्पेशली मकरू वाले हैं उनके अंदर एक पैसा का समस्या को लेके बहुत ज़्यादा चिंता और प्रॉब्लम में है। स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये समस्या नेचुरल वे में जिनका शनि का 7.5 के कारण आर्थिक स्थिति डामाडोल हुआ है और उनके लिए अगर बात किया जाए तो नेचुरल वे में होने के लिए, नेचुरल वे में आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधरे उसके लिए आवश्यकता समय है नेचुरली नवंबर महीना के बाद, क्योंकि धन का कारक गुरु बृहस्पति जब तक पीड़ित चल रहे हैं, पाप कर्तरी में पीड़ित चल रहे हैं, तब तक ये आशा करना कि हमारा 100% अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। और जब कभी भी ऐसा परिस्थिति है, हो रहा है, तो स्पेशली आर्थिक स्थिति के मामले में अगर मैं बात करूं तो आवश्यकता अभी धन का स्थिति के लिए अभी तुरंत कुछ किया जाए उसके लिए, या जैसे जैसे मैं बताया था कि आप लोगों का धीरे धीरे मानसिक स्थिति ठीक होगा, जिस जिस डेट में बताया था, आज सुबह भी कुछ लोगों से मेरा बातचीत चला आप लोगों के माध्यम से, तो आप लोगों के अनुसार भी यही आया कि वर्तमान स्थिति में बहुत सारे मकरू वालों का स्थिति सुधर रहा है, सुधरते जा रहा है। कुछ का 30% सुधरा, किसी का 40, किसी का 70, किसका एकदम नहीं सुधरा। ठीक है, किसका भी कैसा भी कंडीशन हो जाए वो विषय नहीं है, विषय है कि एक परमानेंट स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। कोई बोल रहा है 10 करोड़ का मैं शेयर खेल दिया, शेयर में लगा दिया, रिकवरी नहीं है। कोई बोला सट्टा लगा दिया, रिकवरी नहीं है। ये एक आम बात है। मैं आप लोग जो जैसे कर रहे हो, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सट्टा खराब है, शेयर खराब है, लॉटरी खराब है, जुआ खराब है। आपके ग्रह दशा के अनुसार आपके मन को वो तो भ्रमित करेगा और उस दिशा में लेके जाएगा, यही है ज्योतिष और यही है कुंडली। जिस समय शेयर का धंधा नहीं था तो लोग उस प्रकार का अलग धंधा करते थे शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए, बिना मेहनत में कमाने के लिए, उस समय उस प्रकार का रास्ता था। अभी यही है, इसका टोपी उसका सर। राहु तो अपना काम कराएगा ही, राहु तो छोड़ेगा नहीं, शेयर में मन लगाएगा, सट्टा में मन लगाएगा, जुआ में लगाएगा, लॉटरी में लगाएगा, अस्थिर लक्ष्मी में मन लगाएगा। और जैसे जैसे इस प्रकार का लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी में शेयर का लक्ष्मी में, बिना मेहनत का लक्ष्मी में, और इस पैसा जिसको हम लोग बोलते हैं पेचक लक्ष्मी, रात को आए सुबह चला जाए, भमभमा के आए और भमभमा के जाए, बिना मेहनत का आए, उसमें आपका कोई मेहनत नहीं लगा है, किस्मत का पैसा जिसको बोलते हैं, ये पैसा ना किसी का परमानेंट रहा है ना रहेगा। और कोई किसी किसी बड़े बड़े विज्ञ मतानुसार ये अष्टम का पैसा है। चलिए जो जैसा बोल रहा है, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं। मेरा इसमें फोकस आपके लिए इतना करना है कि अगर आप ऐसा
परिस्थिति में बहुत ज़्यादा फंसे हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कई सारे अभी सभी समस्या सबका दूर हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा। जिनका कुंडली में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन बन के शनि बाबा बैठे हैं, विपद नक्षत्र में बैठे हैं, बद्ध तारा में बैठे हैं, प्रत्यारी तारा में बैठे हैं, उनका सोल्यूशन इतना जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि इनको जिंदगी में पग पग में शनि बाबा इनको बड़ा रुलाते हैं। शनि क्या रुलाएंगे? आपके कर्म आपको रुलाता है, शनि रुलाते हैं ये कहना ठीक नहीं है। शनि तो मात्र एक, ऐसे समझिए, एक न्यूट्रल एजेंट होते हैं जो आपके न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश कैसे कर्म करेगा? न्याय तो अपने सीट में बैठ के न्याय करेगा, आप जैसे करोगे बस ऐसा दंडाधीश करते हैं, दंड दे देंगे। इसलिए शनि को यहाँ बीच में नहीं घसीट रहा हूँ, लेकिन अगर न्यायाधीश आपके विपक्ष में है तो क्या करोगे? और हमेशा ये बार बार मैं बोला हूँ कि शनि महादशा हो, साढ़े साथी हो, और शनि अगर फेवर में नहीं है तो धन का कमी होना एक स्वाभाविक बात है। तो कैसे करना चाहिए इसके लिए, क्या रास्ता है? और इसका रास्ता यही है, जब भी किसी को धन का कमी होता है तो ऐसे लोगों के लिए, एक तो जैसे हम लोग महालक्ष्मी कवच, श्री यंत्र सिद्धि और शनि बाबा को शांत करने के लिए जो सफ़ेद अर्क का जड़, बिल्व जड़ और शमी का जड़, इसमें हनुमान का कवच, जिसे मैं जनरली मैं इसका अनुभव से देखा हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादातर प्रिफर करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि मैं देखा हूँ नीलम में भी कभी कभार साइड इफ़ेक्ट रहता है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो, लग्न नक्षत्र सूट नहीं किया तो, अगेंस्ट नक्षत्र है नीलम का, अगेंस्ट लग्न है लेकिन राशि मकर है, कुंभ है, पहन लिए, अगर वो सही कंडीशन पे नहीं बना बैकफायर करता है। लेकिन ये जो हनुमान कवच है वो कितना भी फेवरेबल हो नहीं हो, एटलीस्ट अच्छा नहीं करेगा तो बुरा नहीं करेगा। तो इसको अभी पहनने से जो स्थिर लक्ष्मी के लिए एक फील्ड बिल्डअप होता है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु मेरा आज यहाँ आप सबको कहने का अभिप्राय ये है, जिनका भी ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो मैं आप लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो रास्ता बता रहा हूँ इसमें 100% सक्सेस हो जाऊँगा, गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज कर दे रहा हूँ, मैं ऐसा सब जिसमें लगाता हूँ मेरा अनुभव के ऊपर लगाता हूँ, ये मेरा अनुभव नहीं है, मेरा गुरुजी का अनुभव है, इसलिए मैं इसके ऊपर बड़ा गहन रिसर्च मेरे गुरुजी का रहा, मेरे से उम्र में भी हैं ज़्यादा और अनुभवी हैं, इतना जल्दी हर बात को खुल के बोलते भी नहीं हैं, सोचते हैं कि पहले इसका क्या मानसिकता है। तो बहुत सारे विषय के ऊपर हम लोग यहाँ पर विचार किए और आखिरी में मेरा गुरुजी मेरे को उसके ऊपर आइडिया देते हैं कि बोले देखो, जब भी कोई चीज में बहुत ज़्यादा बाधा आता है ज़िंदगी का, और सबसे एसेंशियल सब्जेक्ट होता है पैसा और धनलक्ष्मी का, ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए? लक्ष्मी जी माता का अनुष्ठान करना चाहिए। अब क्या क्या अनुष्ठान है? एक है श्री यंत्र साधना और स्थिर लक्ष्मी का पूजन के साथ लक्ष्मी हवन, जैसे रुद्राभिषेक खाली करने से उतना काम नहीं आता है, या खाली जप करने से काम नहीं आता है, उसके लिए हवन भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही महालक्ष्मी माता का हवन करना, और अभी आने वाले समय में नवरात्र भी आ रहा है, एक बहुत अच्छा महात्मा माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती के लिए एक उत्तम योग बन रहा है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं ऐसे कंडीशन पे, तो आप लोग हमारे गुरुकुल में
जो अष्ट गुरुकुल में ज्योतिष गुरुकुल में आके इसका साधना कर सकते हैं, इसका यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं और उसका फल आप अपने जीवन पे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जब आप प्रॉब्लम में पड़ते हो और जब आप ईश्वर के दरवाजा खटखटाते हो तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सुनी नहीं जाएगी, सुनी जाएगी, सुना जाएगा, होना स्वाभाविक है। तो ये मेरा गुरुजी का विचार था, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि जो लोग सबसे सर्वाधिक प्रॉब्लम में हो, एकदम कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, एकदम आत्महत्या वाली कंडीशन, जिनका मेरे को बहुत सारे लोग बोले हैं, उस समय मैं इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर पाया या मेरे दिमाग में नहीं आया, और अभी आया क्योंकि गुरुजी के साथ बैठा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद गुरुजी का आज्ञा हुआ, तब जाके मैं आप सबके समक्ष में इस बात को रख रहा हूँ। स्थिर लक्ष्मी साधना, स्पेशली जिनका धन का समस्या है, और खाली लक्ष्मी का साधना करने से नहीं होगा, साथ में विष्णु सहस्र नाम करके लक्ष्मी नारायण का आहुति करना, ये संपुटित टाइप किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी ये है इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक, जो मुख्य बात है। जब भी कोई ऐसे सौम्य उपाय में रास्ता नहीं निकलता, सौम्य उपाय में कोई घटता घटना नहीं घटता, तो ऐसे कंडीशन में हमें उग्र देवी देवताओं को उपयोग में लाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। एनर्जी है, आप उसको भगवान समझते हैं, ये आपका मर्जी है, और उस एनर्जी के माध्यम से आपके अंदर का अलक्ष्मी तत्व को हील करना। अलक्ष्मी में नश्यताम कहा गया हमारे श्री सूक्त में। तो ये जो आपके पास पैसा क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके अंदर जो अलक्ष्मी एनर्जी है ज़्यादा है, जो दरिद्रता का ऊर्जा है ज़्यादा है। ये ग्रह कोई ऐसा नहीं बोलते कि देखो ये दरिद्र योग में जन्म हुआ है, नहीं, कोई योग वोग नहीं, दिस इज एनर्जी। आप इस कंडीशन पे जन्म हुए, ऐसे लग्न, ऐसे नक्षत्र, ऐसे राशि मिला जहाँ पर दरिद्रता आपके ऊपर रह गया, पैसा नहीं कमा सकते, पैसा आने से रख नहीं सकते, होता नहीं है। तो ऐसे एनर्जी को काटने के लिए, प्रशमित करने के लिए, शांत करने के लिए जो समझते हो समझ जाओ, क्या करना चाहिए फिर? तो उसके लिए लक्ष्मी नृसिंहम, लक्ष्मी नृसिंहम करांबलम्बम, लक्ष्मी नृसिंह का, देखो लक्ष्मी तो कई प्रकार हैं, है ना, लक्ष्मी नारायण का कई कई फॉर्मेट्स हैं, अष्टलक्ष्मी बताया गया, फिर अलग अलग उसका है, मैं और ज़्यादा बोलने से फिर फेंक राय बोलेंगे, फेंकना हो जाएगा, तो स्पेशली वैभव लक्ष्मी से लेके अष्टल वगैरह वगैरह है, मैं वो फोकस नहीं, मेरा यहाँ इस विषय पे फोकस है। ये तो नारायण अवतार ही तो है नृसिंह भगवान, लेकिन जब जब किसी के बॉडी में, परिवार में, जीवन में प्रचंड धन स्थिति बिगड़ता है, तो ऐसे कंडीशन के नृसिंह साधक बढ़िया काम में आते हैं। वो तो खाली नृसिंह में धन नहीं आएगा, खाली नृसिंह शत्रु निवारण के लिए काम में आता है, दूसरा खाली नृसिंह जो भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन वालों का काम में आता है, ये वही लोग बताते हैं जिनका नृसिंह भगवान का स्थिर साधना हो, उनका चेहरा भी ऐसा हो जाता है थोड़ा सा और नृसिंह साधना साधक इतना आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि नृसिंह साधना का बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। फिर लक्ष्मी नृसिंह साधना, ये थोड़ा सा वैदिक विधान पे उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, वो पासवर्ड, वो मंत्र, तो उसके लिए देखो इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मकर राशि का अगर ग्रास रूट लेवल पे जाके अगर टॉप डिकोड करोगे ना, तो वहाँ पर नृसिंह मंत्र आता है, उसके बाद काली का मंत्र आता है, उसके बाद जाके
नक्षत्र पद अनुसार राशि का मंत्र आता है। मंत्र माने क्या? पासवर्ड। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई पकड़ लो मकर राशि वाला लाइफ में सीवियर प्रॉब्लम में फंसा और राशि लग्न काम नहीं कर रहा है, दूसरा कोई भगवान काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर डिकोड किसको करते हैं? नक्षत्र। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, नक्षत्र का मंत्र डिकोड करने से उसका जो नक्षत्र विधान है पूजा पाठ का, तो ऐसे मकरू वाले, नॉट ओनली मकरू, कोई भी राशि लग्न का व्यक्ति हो, देख रहे हो कि जिंदगी में उसका राशि लग्न सपोर्ट नहीं कर रहा है, बड़ा वल्नरेबल कंडीशन ऑफ प्लैनेट बना हुआ है, राशि पीड़ित हुआ है, पाप कर्तरी में फंसा हुआ है और राशि का मान ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह जितना सारा जानते हो समस्या। जब एवरीथिंग इज इनएक्टिवेटेड एंड नॉट एप्लीकेबल, तब हम लोग क्या करते हैं, नक्षत्र से उसका काम करवाते हैं और फिर उसमें रिजल्ट मिलता है। ठीक ऐसा ही है मकर राशि का इनहेरेंट बीज को, बीज मंत्र कोड नृसिंह का रहता है, और नृसिंह का अगर है तो लक्ष्य, जब भी ऐसे लोगों का मकर राशि, स्पेशली कह रहा हूं ये मैं किसी और के लिए अभी नहीं कह रहा हूं, तो लक्ष्मी नृसिंह मंत्र का साधना, देखो मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा था, मैं अपना बात बोल के इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, इतना सारा वीडियो बनाया जो उस समय आप लोग बहुत सारे, मैंने लक्ष्मी प्राप्ति के ऊपर तो सीरीज बना दिया मैं, लेकिन ये बात डिकोड में दिमाग में नहीं आया। कल रात को 1:45 में मैं जब ध्यानस्थ रहा और फिर सुबह सुबह गुरु जी से बात किया, तो बोले अगर तेरे अंदर ये आ गया है तो मैं और नहीं रोक सकता हूँ, मैं जानबूझ के रोका हुआ था, क्योंकि इसमें ये इट इज़ नॉट सो ईजी गेम, इट इज़ समथिंग डेंजरियस गेम, जैसे महुल का मदान, इट इज़ अ डेंजरियस गेम। मुझे पैसा नहीं है, मुझे लाने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे पैसा चाहिए उसको ही, वही कलेक्शन करेगा, ये रूल है। लेकिन चलो अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मेरे नाम पे कर दो, अब ये निर्भर करता है कि वो पंडित जो करेगा कलेक्शन, मैं तो नहीं जाता हूँ एकदम, आज तक नहीं किया मेरे, मैं सोचो मैं ही इन्वेंट किया, इतना गहरा जंगल में मैं ही गया, मैं इन्वेंट किया, मैं तो खुश हो गया, आनंदित हो गया, लेकिन मैं हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि मैं बाकियों को देखा हूँ, जो लोग जिनके पास रियली पैसा का आवश्यकता है उनके लिए, क्योंकि मैं देखा हूँ, मेरा नाता इसके साथ बहुत दिन से है, जैसे कोई खुड़खुड़ी खेलने जाता है, जुआ एक तरह का खुड़खुड़ी होता है, ऐसा करके डालते हैं, हमारे इधर बहुत चलता है, तो मेरे दादाजी के पास आते थे, मैं बोला पाप काम कर रहे हो, बोला नहीं पाप क्या है, और वो जजमान मेरे पास आया, जजमान का कल्याण मेरा धर्म है, वो कर्म करेगा वो मुझे, बोले इनहेरेंटली आप हो उसके अंदर, बोला हम हैं और इसके लिए मैं प्रायश्चित करूँगा, बोल के वो मेरे को दक्षिणा दे रहा है और मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो गुरु बन के बैठा हूँ और गुरु सब झेलेगा, तो चलो ये सब फिर अलग बात हो जाएगा, ये बड़ा तर्क का बात हो जाएगा। तो वो लोग बोलते, वो खुटी देते थे, जैसे कान में घुसा के जाओ, पॉकेट में लगा के जाओ, ताबीज बना के, ऐसे जैसे हम पहने हुए हैं ऐसे पहना के भेजते थे, जाओ तो जीत के आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा पुराना नाता है ये सबसे, तो इट्स अ वेरी रेयर थिंग, लेकिन मेरा अनुरोध है कि मुझे ना कहें, आप लोग, कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप लेके आइए, मैं नहीं ला पाऊँगा, जिसको रियली पैसा का समस्या है, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में जब सीवियर प्रॉब्लम होता है तो करता उसको करता है, यजमान का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पैसा नहीं चाहिए इस प्रकार का, पैसा तो चाहिए, किसे भी चाहिए, लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है, लेकिन हमें शांति और आनंद वाला पैसा चाहिए। मैं आज तक ये शेयर सट्टा लुआ जटरी लॉटरी और एक भी कभी नहीं किया, फ्री में भी मिलते हैं ना, पेट्रोल भरते हैं हमारे तरफ फ्री में मिलता है, तो भी वो उधर फाड़ के फेंक देता हूँ, बिना मेहनत का मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए। मैं देखिए, मेरे पास आप लोग पूजा करने भी आते हो, बहुत सारे रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, लक्ष्मी, ये रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ रेगुलर मेरे पास चलते रहता है, मैं आप लोगों का दक्षिणा नहीं देता, वो पंडित जी को देता हूँ, तू ले, मुझे नहीं लेना है, और किसी को देना है तो आश्रम का विकास के लिए डब्बा में डाल दो, बट मुझे, मैं नहीं लूँगा, मैं जनरली नहीं लेता, और इनकेस कोई फोर्सफुली देता है भी तो लेके डब्बा में डाल देता, डब्बा मतलब वो जो दान पेटी है उसको डब्बा बोलते हैं। तो
लक्ष्मी नृसिंह, यहाँ पर मैं थोड़ा सा भटका भी ईश्वर भटका है। लक्ष्मी नृसिंह का अगर जिसका बहुत ज़्यादा समस्या है, आप लोग अपने यहाँ करा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जो नृसिंह के ऊपर मास्टरी किया, विकट सबसे उग्र, जैसे विपरीत प्रत्यंगिरा साधना है, जो परम उग्र देवी देवताओं में आते हैं, ऐसे ही श्मशान काली महा उग्र देवता में माँ बगला, ये सब कलयुग में ये लोग सडन ट्रिक करता है, नहीं होगा फट करके ट्रिक करेगा और कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाएगा। इसलिए इसको करने से पहले कम से कम एक महीना का अपना कंट्रोल कर लो। मैं ये सब क्यों नहीं कराता हूँ, पकड़ लो किसी के पास ट्रिक हो गया और सडन कुछ बहुत पैसा आ गया, पगला होगा नहीं तो मरेगा। वो तो कहानी सुने होंगे, वो लॉटरी लग गया 1 करोड़ का, तो फिर उसका माँ बाप बच्चे घर परिवार बोले कि डॉक्टर को बुलाओ और बोलो। तो डॉक्टर बोला उसको कि यार तुम्हारा अगर 10,000 रुपया मिल जाए तो बोला गाड़ी खरीदेंगे, बोला 1 लाख मिल जाए तो बोला घरूर बना देंगे, बोला 5 लाख मिले तो बोला तुमको 2 लाख दे देंगे। डॉक्टर ये सुन के बेहोश हो गया, मतलब मर गया, हार्ट अटैक हो गया, अरे दे देखा इसका तो 10 लाख आया है, मेरे को देगा, मजाक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस लक्ष्मी नृसिंह का बात करते हैं, बोलना बड़ा सहज है सरल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा खतरा रहता है। खतरा किस बात का, ऐसा ही पकड़ लो सडन आ गया, एकदम हैवी मनी आ गया, तो आप लोग इसका साधना के लिए मेरा अनुरोध है, या इसका अनुष्ठान के लिए, मैं साधना नहीं कह रहा हूं, अनुष्ठान अपने इलाके में कर सकते हो। दूसरा, जिनको मेरे पास आना है वो लोग आ सकते हैं। और तीसरा, इसके ऊपर और कोई डाउट है, शंका है, क्वेश्चन है, आप लोग मेरे को कमेंट में लिख दोगे तो मैं इसके ऊपर और क्लैरिफाई कर दूंगा। और लक्ष्मी नृसिंह साधना, केवल आखिरी इतना बिंदु कहूँगा, उनके लिए जिनका सीवियर दारिद्रता का समस्या है, वे लोग लक्ष्मी नृसिंह का साधना एक्टिवली कर सकते हैं या फिर अनुष्ठान कर सकते हैं। दूसरा है स्थिर लक्ष्मी का, पकड़ लो आप बोलते हो लक्ष्मी नृसिंह साधना में नहीं जाते, स्थिर लक्ष्मी साधना, उसमें श्री सूक्त में हवन होता है लक्ष्मी नारायण के साथ। तो ये कुछ नया आइडिया मेरे को मिला स्पेशली मकरू के लिए, क्योंकि ये धन का परिस्थिति, जो लोग और कुछ बोल रहे थे उनके लिए मैं बना दिया। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।